शहर की पॉश कॉलोनी कालानी बाग के एक सुने घर में अज्ञात बदमाश ने धावा बोलकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर की करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर के चिकित्सक संजीव शर्मा के छोटे भाई मनोज शर्मा का निवास कालानी बाग में दुर्गा माता मंदिर के सामने है। बुधवार को मनोज शर्मा और परिजन बनारस गए थे। घर पर उनकी पत्नी संध्या, पुत्र अभय और एक अन्य रिश्तेदार थे। दोपहर करीब 4:30 बजे ये घर पर ताला डालकर एक्टिवा से मृदुल विहार कॉलोनी में रहने वाले मनोज शर्मा के बेटे संतोष शर्मा से मिलने गए थे। शाम करीब 5:30 बजे ये लौटे तो घर का दरवाजा टूटा था और अलमारी में रखे सोने के जेवरात और 50,000 रुपए नकदी चोरी हो चुके थे। डॉक्टर संजीव शर्मा की माने तो 5 से 7 लाख की चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई है। इसके अनुसार i10 कार से 2 लोग शर्मा के घर के सामने बैग लेकर उतरे। दोनों ने मास्क लगा रखा था। कार वाला दोनों युवकों को छोड़कर शर्मा की पत्नी के पीछे चला गया। संभवतः नजर रखने के लिए ऐसा किया गया। इतनी देर में कार से उतरे बदमाशों ने घर का ताला तोड़ा और माल पर हाथ साफ कर दिया। जब तक शर्मा परिवार वापस लौटा, आरोपी आराम से वारदात कर फरार हो गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी रेकी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।